बैलेंस ये है हमारे पास आया था जी।
10,500. Depreciation. फॉर्मूला हमारे पास तो ये काम से हमने कंप्यूट किया था 13 आ सकता था जी 13 जी डेप्रिसिएशन नेक्स्ट जो इस दिन जो अकाउंटिंग होनी है डायरेक्ट फॉर इवैल्यूएशन
तो रिवैल्यूएशन की काउंटिंग यूजिंग होगी। और स्टेप नंबर वन हम पता कर चुके हैं, हमने हमने नेट बुक वैल्यू कंप्यूट करनी है और रेट ऑफ रिवैल्यूएशन। जी हम देखिएगा, हमारे पास रिवैल्यूएशन गेन आ रहा है कि लॉस आ रहा है। हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ रही है 9187, सेल वैल्यू है 12,500। तो हमारे पास रिवैल्यूएशन गेन कितना आ गया जी? 3,313 का हमारे पास रिवैल्यूएशन गेन आ गया स्टेप नंबर टू में। नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट हमने रिवैल्यूएशन की काउंटिंग करनी है। इससे पहला स्टेप क्या होगा? एलिमिनेशन। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिर रिवैल्यूएशन गेन की काउंटिंग करनी। तो एलिमिनेशन की एंट्री कर देते हैं और रिवैल्यूएशन की भी। एलिमिनेशन की आपको पता है हमेशा एंट्री क्या होगी जी? किससे करेंगे जी? जो बैलेंस आ रहा होगा टोटल डेप्रिसिएशन का, इस एग्जाम्पल में 1313 आ रहा जी। रिवैल्यूएशन गेन की भी रिफरेंस बना रहे थे। हमारा जो टोटल गेन आ रहा है वो 3313 से आ रहा है, तो 63313 से डेबिट। पीएनएल से रिकवर करना है। इस लेजर का फायदा ये है कि हमने जितनी भी अमाउंट रिकवर करनी है नेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेविंग, वो चाहे एक साल बाद दोबारा रिवैल्यूएशन हो चाहे 3 साल बाद हो, जितने भी साल बाद रिवैल्यूएशन होगी, जो ये फॉर्मेट हम तरीका फॉलो करते हैं, इसमें क्या होता है? हमारे पास ये बैलेंस क्या आ रहा होता है? अपडेट क्या आ रहा होता है? तो हमने जो रिवैल्यूएशन लॉस है उसको जब रिकवर करना होता है तो रिकवरी नेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेविंग होती है, और वो हमारे पास अमाउंट आ रही है 1312 रिकवर करने के। ये रिवैल्यूएशन में गेन आ जाएगा और बाकी गेन 2,001 रुपए कहां पे आ जाएगा? रिवैल्यूएशन सर्कल। दोनों एंट्रीज को फोर्स करते हैं लेजर में। एलिमिनेशन या डेबिट या क्रेडिट, जी रिवैल्यूएशन ये कितना आएगा? जी आप ये नोट कर लें, फिर इनको फिर तो हम बैलेंस शीट और एसोसिएट पे प्रेजेंट कर देते हैं जी। बैलेंस शीट पे क्लोजिंग बैलेंस
पीपी है जो बैंक सारा 12,500 और सरप्लस का बैंक सारा क्लोजिंग बैलेंस 2,000 और अगर इससे अपनी लाइफ कंप्लीट होने से पहले शेयर हो जाए
These days that is sold, have been known completion of its life. So, the parents hoga of the valuation surplus. Shall be immediately transferred to उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे रिटेन अभी सरप्लस का बैलेंस आ रहा होगा उसे हम कहां पर ट्रांसफर कर देंगे रिटेन अर्निंग. अच्छा रिवैल्यूड एसेट पे, रिवैल्यूड एसेट पे गेन और लॉस की कैलकुलेशन कैसे होगी. नेट सेल प्रोसीड, जो नेट सेल प्रोसीड मिलेगी एसेट को सेल करने के पैसे और उसमें से जो कमीशन वगैरह अगर सेल करने पे या माइनस कर देंगे नेट सेल प्रोसीड और लेस कर देंगे नेट बुक वैल्यू बेस्ड अपॉन रिवैल्यूएशन मॉडल. जो नेट बुक वैल्यू रिवैल्यूएशन मॉडल पे आ रही है उसे माइनस कर देंगे और अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो गेन आ जाएगा, नेगेटिव आएगा तो लॉस आ जाएगा. जो भी गेन लॉस होगा उसे उसे कहां रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सेल पे ये जो डिफरेंस होगा ये पीएनएल में आएगा और वो जो सरप्लस आ रहा होगा वो कहां ले जाएंगे, ट्रांसफर कर देंगे रिटेन देंगे. Yeah.
हजरत ने इसे सेल किया है और सेल करते वक्त उस एसेट का रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस नहीं आ रहा बल्कि रिवैल्यूएशन लॉस गेन का बैलेंस आ रहा है, तो उस बैलेंस को कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो वैसे रहेगा। दूसरी जो वर्किंग कार्य होते हैं, उस वर्किंग का मकसद ये होता है कि अगर बाद में कभी रिवैल्यूएशन हो और रिवैल्यूएशन गेन आए तो हमने ये नेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेविंग इतना लॉस क्या करना है, रिकवर करना है, वो उस मकसद के लिए होता है। पॉइंट नंबर फाइव ये लिख लें, जो भी मैंने बातें लिखी है उसे कुछ हमें डिस्कस पहले भी की थी, बल्कि क्लास में, लेकिन जरा मैंने कहा कि हम तो नोट आउट कर लें ताकि चीजें हमें याद रहे। जो मैं पॉइंट नंबर फाइव बताने लगूँ ये भी हमें डिस्कस किया था, जस्ट लिख लेते हैं। ये अगेन अगर कहीं छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, अगर ये पता होते हैं तो अक्सर जो आगे विज्ञान होते हैं उसमें कोई ना कुछ मिसिंग होती है, और उसमें फिर इन पॉइंट्स की हेल्प से हम अपने सोल्यूशन को अचीव कर सकते हैं। तो एक बात ये हुई थी पहले क्लास में कि अगर एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है और रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हम रिवैल्यूएशन मॉडल पे डेप्रिसिएशन चार्ज करें वो उस डेप्रिसिएशन से ज्यादा है अगर हम कॉस्ट मॉडल पे क्या कर रहे होते, चल रहे होते। बात लिखेगी इफ एसेट इज मैगेड एट रिवैल्यूएशन मॉडल एंड देयर इज अ बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस Then it means depreciation based upon revaluation model, depreciation based upon revaluation model is more than the depreciation based upon is more than the depreciation based upon cost model. Depreciation based upon cost model. तो surplus का एक मतलब ये है कि आप जो depreciation charge कर रहे हैं अभी revaluation model के basis पे वो cost model से क्या है ज्यादा। Point number six. If asset is measured at revaluation model, and there is a balance of revaluation loss being in it. Then it means depreciation on revaluation model is less than the depreciation based upon cost model. उसी एसेट की जो डेप्रिसिएशन है अगर हम कॉस्ट मॉडल पर निकालें तो उससे क्या है ये कम। ठीक है, चलिए फिर सवाल है तो पूछते हैं। ये बेसिक इसकी हमने इतनी डिस्कशन करनी थी ये वैल्यूएशन से रिलेटेड। बस 10-15 मिनट आया 40 की डिस्कशन करनी, कुछ बेसिक्स मैंने रिवाइज करनी है। मैंने जैसे आपको बताया था कि एफपी टू में चीजें क्या क्या हुई है, बुक में आप देखिए पास भी सुन रहे हैं। ठीक है, बताया नहीं था आपको। अगर
अगर हमने एसेट को डिस्पोज ऑफ किया और उस वक्त उसका रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल वाला बैलेंस आ रहा है तो उसका कुछ भी नहीं करता कोई फर्क नहीं। एंट्री वही होती है जैसे भी अभी अपनी ये एंट्री बनेगी देखो रिवैल्यूएशन सरप्लस का मतलब है थ्रू ओसीए से गुजर के जाता। मैं इसमें अक्सर समझाने के लिए करता हूँ, मैंने वैसे याद लिखा लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं लिखूंगा अगर ऐसा सवाल भी करेंगे उसमें मैं या इसी तरह का कोई और टॉपिक करूंगा तो मैं एक हैबिट टॉपिक मैं वहां पे ये देखता हूँ हार्ट हैबिट जैसे यहाँ पे कितना था तो ब्रैकेट में कहते हैं ओसीए इसका मतलब होता है कि ये क्राइट और रिवॉल्यूशन सर्कल्स हो रहा है लेकिन ये ओसीए से रूट हो गया एंट्री नहीं करते हैं ब्रैकेट में लिख देते हैं अगर सेट कर जी जी आया तो अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये बिल्कुल जैसे मैंने मेंशन किया गया आपने बस बेसिक सा आता है मैं रिवाइज कर रहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अप्लाई किस तरह से लैंड बिल्डिंग पे इनिशियल किस पे मुहैया करते हैं हम इसको कॉस्ट पे सबसीक्वेंट हमारे पास मेजरमेंट मॉडल कौन से है जी एक हमारे पास है कॉस्ट मॉडल एक हमारे पास है फेयर वैल्यू मॉडल कॉस्ट मॉडल पे IAS 40 में लिखा हुआ है सेम एज IAS 60 जो IAS 60 को कॉस्ट मॉडल आप पढ़ते हैं वही सेम ही मॉडल है जो कि आपने फॉलो करना है क्योंकि डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है साल लेवल में आपने डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी और आपने इम्पेयरमेंट लॉस भी प्रूव करना है लेकिन यहाँ पे क्या नहीं करना होता है यहाँ पे ये क्या करना होता है ये जो लैंड है लैंड डेप्रिसिएट ही होती है लैंड डेप्रिसिएट ही होगी मतलब अगर आपके पास लैंड आ रही है एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और आप उसको मुहैया कर रहे हैं कॉस्ट मॉडल पे तो रूल है सेम एज IAS 60 कॉस्ट मॉडल तो कॉस्ट मॉडल में जो लैंड होता है उसको डेप्रिशिएट आप नहीं करते लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी अगर आप लैंड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी और उसको आप कॉस्ट मॉडल पर मुहैया कर रहे हो तो आप उसको चार्ज नहीं करेंगे फेयर वैल्यू मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट एक मॉडल है यहाँ पे ये रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है इसका कंपैरिजन भी मैं फिर वन में करवाता हूँ तो आपको याद ही होगा क्लास में या सामने थोड़ा सा वो दोबारा रिविजन कर लेंगे देखने के होते हैं हाँ सेम मॉडल में हम क्या करते हैं हम थोड़ा सा डिफरेंट इसका ट्रीटमेंट है एक तो सबसे जो कॉमन चीज है वो ये है कि इस पे डेप्रिसिएशन ऑफ चार्ज नहीं करते सेम मॉडल पे चाहे लैंड है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो चाहे बिल्डिंग हो फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती बल्कि उसके बदले क्या होता है जी आप क्या करते हैं ये रेंट पे फेयर वैल्यू अपडेट करते हैं और जो फेयर वैल्यू गेन लॉस आता है वो कहाँ रिकॉर्ड होता है ओनली पीएनएल वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है बुक होता है जी एक छोटी सी बात डिस्कस करनी चाहिए
कि आया थोड़ी ज्यादातर लैंड बिल्डिंग पे और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है रेंटल और क्या होता है जी कैपिटल एप्रिसिएशन. अगर लैंड एंड बिल्डिंग हो और इनमें से कोई भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो तो आपको लैंड बिल्डिंग इस पर फॉल करेगी आई एस 40 में, अदरवाइज वो आई एस 40 पर फॉल नहीं करेगी. एग्जामिनेशन जैसे मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ, अगर FR2 में किसी प्रायर नॉलेज टॉपिक की होगी, जैसे IAS 40 जो है वो प्योर एक प्रायर नॉलेज टॉपिक है, रिवैल्यूएशन तो फिर भी हमें FR2 का हिस्सा है, लेकिन IAS 40 प्योर प्रायर नॉलेज को अपनी बैलेंस की अंडरस्टैंडिंग है, इससे ग्रेजुएशन कॉन्सेप्ट बेसिस होती है. एक कंपेरिजन भारत है, रिवैल्यूएशन मॉडल और दूसरा क्या है जी फेयर वैल्यू मॉडल. इसी में सारी चीजें समझा दी जी. रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई होता है ऑल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स पे भी. आपने FR2 पढ़ना है, इसमें आप देखेंगे कि इनटेंजिबल एसेट्स पे भी रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई हो सकता है. फेयर वैल्यू मॉडल जो होता है ये मैं लिख दूं, फेयर वैल्यू मॉडल कौन से वाला IAS 40 और भी फेयर वैल्यू मॉडल आपने पढ़ने हैं FR2, लेकिन मैं डिफरेंट चीजों पर. फेयर वैल्यू मॉडल किन पे अप्लाई होता है सिर्फ IAS 40 में, किसी पे तो लैंड एंड बिल्डिंग जी. और क्या फर्क है यहां पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, यहां हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते. और हाँ जी जी हाँ शाबाश गुड पॉइंट गुड पॉइंट. इम्पेयरमेंट यहां पे इम्पेयरमेंट टेस्ट होता है. इम्पेयरमेंट टेस्ट होगा तो जाएगा, अगर इम्पेयरमेंट लॉस वगैरह आएगा तो बुक भी हो जाएगा. यहां पर इम्पेयरमेंट टेस्ट नहीं होता और गेन लॉस जो गेन लॉस होता है वो P&L में भी आ सकता है और OCA में भी आ सकता है. और यहां पर जो गेन या लॉस होता है वो सिर्फ कहां पे आता है P&L. सिग्निफिकेंटली डिविएट होती है तो फिर आप क्या करेंगे
हम रिवैल्यूएशन हर साल करेंगे और अगर फेयर वैल्यू सिग्निफिकेंटली डिवेट नहीं होती है हर साल तो फिर 3 या 5 साल बाद करेंगे, लेकिन यहाँ पर हर साल फेयर वैल्यू आपकी बढ़ती और जी ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग यहां पर होता है, यहां पर इस किस्म का कोई ट्रांसफर नहीं होता और फेयर वैल्यू मे बी अपडेटेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर और यहां पर फेयर वैल्यू इज अपडेटेड एट ईयर और
पीपी है, आई ए का मतलब इंटेंजिबल एसेट क्रॉस बॉर्डर, इंटेंजिबल एसेट रिवैल्यूएशन बॉर्डर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आईपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रॉस बॉर्डर, और बायोलॉजिकल एसेट ये अपने एफ ए टू पर पढ़ना है, पी ए बायोलॉजिकल एसेट क्रॉस बॉर्डर। इन पे इनके अलावा किसी भी एसेट पे हम आई एस 36 के मुताबिक इम्पेयरमेंट टेस्ट नहीं कर सकते। इम्पेयरमेंट टेस्ट आई एस 36 के मुताबिक इन एसेट के अलावा किसी भी एसेट पे अप्लाई नहीं होता। पीपी पे कॉस्ट रिवैल्यूएशन मॉडल, आई ए टेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आईपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल, बी ए बायोलॉजिकल एसेट कॉस्ट मॉडल, ये सबसे पहले आपको बताना चाहिए। बेसिक बात क्या है, छोटे छोटे पॉइंट है जो कि अच्छा एज ए स्टूडेंट कंफ्यूज कर देते हैं। और बेसिक बात क्या है, हर ईयर पे बिजनेस के लिए लाजमी है मस्ट असेस इंडिकेटर, बिजनेस ने असेस करने हैं, बिजनेस ने हर ईयर पे पेमेंट टेस्ट नहीं करना, बिजनेस ने क्या करना है हर ईयर पे असेस करने हैं इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट। इंडिकेटर्स इंटरनल भी होते हैं, इसमें एमसीक्यूज भी आया था, और इंडिकेटर्स एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि वो एसेट डैमेज हो गया है, एसेट अपनी जो प्रोडक्शन है वो एग्जैक्टली उस तरह से मीट नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये इंडिकेटर है उसकी परफॉर्मेंस ऐसे एसेट की नहीं है, ये इंटरनल इंडिकेटर है। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, एसेट के पैसे चेंज हो गए, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गए, सारे क्या होते हैं एक्सटर्नल इंडिकेटर। पर इंडिकेटर चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, आप असेस करेंगे दो सवाल आएंगे, तो उस दो जवाब हो सकते हैं, क्या इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं, यस नो। अगर इंडिकेटर एग्जिस्ट ही नहीं करते तो बात खत्म हो जाएगी। हमने इवन नो इम्पेयरमेंट टेस्ट, हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट ही नहीं करना। अगर इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं, इंडिकेटर एग्जिस्ट करने का ये मतलब नहीं है कि एसेट इम्पेयर हो गया, इंडिकेटर एग्जिस्ट करने का मतलब यह है कि आपने इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है। इम्पेयरमेंट टेस्ट क्या होता है जी, दो चीजों का मुकाबला किया जाता है, नेट बुक वैल्यू वर्सेस रिकवरेबल अमाउंट। जब मुकाबला करेंगे तो इम्पेयरमेंट लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये सारी बातें इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम एक आसानी के लिए जल्दी में ये रूल बना लेते हैं कि हर ईयर एंड पे इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है, और इम्पेयरमेंट टेस्ट अगर हो गया तो उसको तो लॉस नहीं आना, ऐसा नहीं है। इम्पेयरमेंट टेस्ट एक है, टेस्ट करवाएंगे लॉस आ भी सकता है, लॉस
नहीं दिया था, लॉस तब आया होगा आर डॉट ए, आर डॉट ए रिकवरेबल लॉस। ये पेपर लॉस तब आएगा जब रिकवर अमाउंट क्या होगी लेस देन नेट बुक वैल्यू, और इन पेमेंट लॉस नहीं होगा अगर रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी ग्रेटर देन नेट बुक वैल्यू। मैं
नहीं काउंट वो किया हुआ, मतलब बिजनेस एडजस्टमेंटिंग कॉस्ट की जो भी काउंटिंग होती है वो काउंटिंग की ही नहीं हुई। अगर बिजनेस ने उसकी काउंटिंग की ही नहीं हुई तो फिर हम यहाँ पे उसको फेयर वैल्यू में से माइनस कर देंगे एडजस्टमेंटिंग कॉस्ट। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि नॉर्मली बिजनेस को काउंट वाली करनी चाहिए। वो एक सवाल है जहाँ पे डिस्कशन होती है फेयर वैल्यू बुक में, वो एबीसी वाला सवाल है वहाँ पे है। अदरवाइज हम ये डिस्कस करते हैं कि एडजस्टमेंटिंग कॉस्ट नॉर्मली काउंट वाली होनी चाहिए और कुछ नहीं बताया हुआ तो काउंट वाली है, ठीक है। तो उसके जवाब के मुताबिक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट करके बल्कि में हम एडजस्टमेंटिंग कॉस्ट को यहाँ पे फेयर वैल्यू में से माइनस नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। अभी दोबारा जब आएंगे तो दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, अच्छा जी हमारा एक चैप्टर है हाँ ये सुमन के नाम है। असल में इस चैप्टर में क्या क्या है, ये चैप्टर है जी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, आईएसवन के नाम से बुक में। इस चैप्टर में हमारे पास एसओसीआई एंड एसओएफटी का क्वेश्चन आता है ये एरिया के अंदर। दूसरा इसमें एरिया क्या है कि चैप्टर है पूरा आयुष्मान सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा इसमें कौन सा क्वेश्चन आता है वो आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का, और तीसरा इसमें एरिया क्या है थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ स्केड्यूल ऑफ कंपनी एक्ट। ये इस चैप्टर में तीन एरिया है। अभी हमने जो पहले कवर करना है वो सिर्फ ये वाला एरिया करना है। ये वाला एरिया बिल्कुल सेम है जो हम कहां कवर कर चुके हैं एचआर वन में, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, लेकिन अगर तो एक तरीके से रिवाइज कर लेंगे ये बिल्कुल सेम है। ये हम करेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा सेशन का। उसकी वजह ये है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पूरे आपके सिलेबस की एडजस्टमेंट आ रही होती है, फीस की भी, टैक्सेशन की भी, इंटेंजिबल्स की भी, जितने भी चैप्टर है। तो ये एसोसिएट एसओएफटी हम क्या करेंगे, हम एंट्री बना सकते हैं पहले, इसको हम नहीं बना सकते। तो ये एरिया हम स्टार्ट करेंगे। इसमें तीन तरह से एग्जामिनेशन हो सकती है, एक एमसीक्यू की शक्ल में, दूसरा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे इस अकाउंट में शॉर्ट क्वेश्चन आया आई थिंक 7 मार्क्स का, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है 8 मार्क्स का, ठीक। और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी एग्जामिन हुए हैं, जैसे 20 मार्क्स के आए, दो दफा इस एरिया में से, सिर्फ इस एरिया में से दो दफा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, 20 मार्क्स। तो हम ये तो थ्योरेटिकल टॉपिक है, थ्योरेटिकल का मतलब भी है थ्योरेटिकल पर इसमें डिस्प्ले हो जाएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है। तो ये हम पढ़ेंगे, इसमें मैं वो क्वेश्चन भी एक बना के आपको करवाऊंगा कि इस तरह से हम बच्चों पर लैंड करना है। तो पहले हम ये एरिया कवर करेंगे। ये एरिया कवर करने के बाद आईएएस 1 का ये एंड पे होगा और ये हम बीच में सेशन में ये कवर कर लेंगे। ये वाला एसएससी वाला एरिया ये भी कवर करेंगे। आपको सीसी भी जो कोर्स का भी प्लान मिलेगा उसको भी ऐसे लिखा होगा कि ये एरिया पहले होगा और ये बात होगा, ठीक है। इसके बाद हम अपने चैप्टर में चलेंगे टेंजिबल।
will be a start with it. There are five components of financial statement. Statement of financial position. Statement of comprehensive income. Statement of changes in equity. Statement of cash flow. And note to the financial statement. These are the basic parts for that. जो बिजनेस अपने नॉर्थ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाता है ना, नॉर्थ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होते हैं डिस्क्लोजर होते हैं। डिस्क्लोजर दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं न्यूमेरिकल डिस्क्लोजर, एक होते हैं नरेटिव डिस्क्लोजर। न्यूमेरिकल का मतलब होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, IAS 16 का नोट होता है, हम उसमें न्यूमेरिकल डिस्क्लोज करते हैं, ओपनिंग बैलेंस है, कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन, व्हाटएवर, सारी बातें। एक होते हैं नरेटिव डिस्क्लोजर। नरेटिव डिस्क्लोजर का मतलब होता है बस अपने वर्डिंग में कुछ बातें क्या करनी होती है, डिस्क्लोज करनी होती है। जैसे छोटे से एग्जांपल देता हूं, जैसे हमें ये डिस्क्लोज करना होता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हमें डिस्क्लोज करना होता है कि हमारे बिजनेस की मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, और अगर हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी मैक्सिमम से कम है तो उसके रीजन ऑफ शॉर्टफॉल ये है, वो भी हमें क्या करने पड़ते हैं, डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। इसी तरह से हमें हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव के बारे में क्या करना पड़ता है, उनको जो कंपनी बेनिफिट दे रही है उसके बारे में भी क्या करना पड़ता है, चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती है। इसी तरह से हमें अपने बिजनेस की जियोग्राफिकल लोकेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है कि हमारा प्लांट, मिल या हेड ऑफिस किस किस शहर में कहाँ कहाँ क्या है लोकेटेड है। हमें अपनी, अगर हम किसी कंपनी की सब्सिडरी है तो हमें उस चीज को भी क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है जी, तो इसमें ये होते हैं नरेटिव डिस्क्लोजर। तो दो किस्म के डिस्क्लोजर होते हैं, इवन हमें ये भी बताना पड़ता है कि हमारी कंपनी में जो हमारा ईयर एंड था उसके आखिरी दिन टोटल कितने एम्प्लॉयज थे और पूरा साल ऑन एवरेज कितने एम्प्लॉयज रहे। ये सारे सो मेनी डिस्क्लोजर जो हमें डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, ये चाहे न्यूमेरिकल डिस्क्लोजर हो चाहे नरेटिव डिस्क्लोजर हो, ये डिस्क्लोजर, ये चीजें डिस्क्लोज करना कौन रिक्वायर करता है। अगर कोई भी कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है तो पाकिस्तान में उसे दो चीजों को देखते हुए ये डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, एक है IFRS और दूसरा है कंपनी लैक। कंपनी लैक पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं
उनको कौन रेगुलेट करता है? एससीसीपी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज है उनको एससीसीपी रेगुलेट करता है, वो इंश्योर करता है कि ये कंपनीज क्या कर रही है, सारे डिस्क्लोजर्स दे रही है। तो आईएफआरएस रिक्वायर करता है डिस्क्लोजर कुछ, और कुछ डिस्क्लोजर कौन रिक्वायर करता है? कंपनी लेक्ट। कंपनी लेक्ट में जाए आईएफआरएस में तो हर कंपनी ने कह ले अभी तक उसने क्या करने डिस्क्लोजर देने। अगर आप बात करें कंपनी लेक्ट की, तो कंपनी लेक्ट में दो स्केड्यूल है, एक है फोर्थ स्केड्यूल, ये डायग्राम बना रहा हूं ठीक है मेरे को फोकस के अलावा क्या हो गया आपको ऐसे हमारे तो दौड़ दो क्या एग्जाम देने के बाद तो एग्जाम के बाद ठीक हो जाएगा सैटिस्फाइड हो जाएगा। तो कंपनी लेग में दो स्केड्यूल है, कंपनी लेग में एक फोर्स स्केड्यूल है, फोर्स स्केड्यूल बताया जाता है लिस्टेड कंपनीज पे, और फिफ्थ स्केड्यूल बताया जाता है नॉन लिस्टेड कंपनी। अल्लाह हाफिज़।